हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी HPU B.ED के रिगार्डिंग एक फॉर्म भरा जाता है। जिन बच्चों की एडमिशन हो गई है उनको ये फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, और जिनकी होनी है वो भी ध्यान से देखिएगा। A to Z इस वीडियो में बताऊंगी आपका जो एंटी रैगिंग फॉर्म होता है वो आपको कैसे भरना होता है, और वो भरना ज़रूरी होता है, हर कॉलेज में भरा जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रही वीडियो को अंत तक। मैं इसमें आपका A to Z बताऊँगी कि आपका इसमें पूरा बायोडाटा, आपका नेम, आपके घर, फिर आपका जो किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज के नियरेस्ट कौन सा पुलिस स्टेशन है, पूरा बायोडाटा लगता है। तो फ्रेंड्स, बने रही वीडियो के अंत तक। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉप पे यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ये साइट आपको सर्च करनी है। ये साइट आप सर्च कर देंगे, उसके बाद आपके सामने सेकेंड पेज खुल के आएगा। तो सेकेंड पेज आपके सामने ये आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एंटी रैगिंग, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका अगला पेज खुल के आएगा। तो अगला पेज यहाँ खुल के आएगा, तो यहाँ पे आपको दिया है नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको अगला पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका लगेगा फर्स्ट है स्टूडेंट फैमिली नेम, आपको फैमिली में किस नाम से बुलाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप जो आपका ओरिजिनल नाम है वही भर दें। और यहाँ पे आपका मिडल नाम चलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, और जेंडर जो आप है आपका वही चलेगा, फीमेल या मेल। और यहाँ पे जहाँ पे ये रेड वाले स्टार लगे हैं ये वाले बॉक्स भरना ज़रूरी है, बाकी इतनी ज़रूरी नहीं है। आगे फिर नेशनलिटी क्या है आपकी, यहाँ पे इंडिया लिख दीजिए। फिर स्टूडेंट मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर देना है आपको, पता कौन सा जो आपका चलता होगा। ऐसे नहीं आप अनवैलिड कोई मोबाइल नंबर दे दें, जैसे आपने B.ED फॉर्म भरते टाइम अपनी ईमेल आईडियाँ गलत दी है, वैसा मैं नहीं करना आपको बिल्कुल भी। जब आप पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर देते हो तो आपको वही देना है जो आपका चलता हो, ठीक है। ये गलती कभी मत करना आज के बाद। स्टूडेंट फ्रेंड्स मोबाइल नंबर इन केस एमरजेंसी पड़ सकती है कोई भी, तो आपको अपने फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर देना है जो आपका मतलब क्लोज फ्रेंड हो। उसके बाद लैंडलाइन नंबर देना है, जो आपके घर का लैंडलाइन नंबर होता है जो आपका सेट होता है। फिर उसके बाद आपका स्टूडेंट ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है आपको। फिर आपका स्टूडेंट कन्फर्म करनी है यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस देना है आपको यहाँ पे, जो आपका परमानेंट एड्रेस रहता है। फिर सेकंड में भी वही आप डू कर दीजिए अगर वही सेम है। फिर आपकी सिटी क्या है, तो सिटी जो है वो कर दीजिए आप। स्टेट आपकी यहाँ पे चलेगी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि HPU यूनिवर्सिटी है तो हिमाचल प्रदेश ही चलेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा, फिर नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको होगा पेरेंट या गार्डियन का, ठीक है, ये भी भरा जाता है। तो यहाँ पे आपको पेरेंट या गार्डियन का नेम देना है, अपने भाई बहन का दे दीजिएगा, अपने फादर या मदर का दे दीजिएगा। यहाँ उनके मोबाइल नंबर एड्रेस देना है इस बॉक्स में। फिर एड्रेस टू अगर सेम है तो यहाँ पे डू कर दीजिएगा। उसके बाद उनकी यहाँ पे सिटी देनी है, क्या सिटी है। फिर स्टेट हिमाचल प्रदेश ही चलेगी, अगर जो अदर स्टेट है तो वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर रेजिडेंस उनका मोबाइल नंबर देना है, फिर मोबाइल नंबर पेरेंट या गार्डन का मोबाइल नंबर यहाँ पे, ठीक है। फिर है पेरेंट गार्डन की ईमेल आईडी। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पे अगला पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको कॉलेज डिटेल देनी है, तो किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिली है या लेनी है, उस कॉलेज के आपको A to Z यहाँ डिटेल देनी है। तो स्टेट इन विच द कॉलेज, किस स्टेट में आपका कॉलेज है, तो यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश ही आएगा, क्योंकि B.ED की चली है तो B.ED कॉलेज हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर आपका सेकंड आता है इज़ इट ए प्रोफेशनल कॉलेज ए जनरल कॉलेज, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल करना है। फिर आपका नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का नाम क्या है जहाँ पर आपने एडमिशन लेनी है या ली है, जिस कॉलेज में, जैसे HPU ने जिन्होंने ली है तो HPU यूनिवर्सिटी ली है, धर्मशाला में ली है, जैसे आपका गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट कॉलेज B.ED है तो उस हिसाब से यहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको HPU करना है यहाँ पे सेलेक्ट। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको यस करना है, इट इज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो यस करना। उसके बाद डायरेक्टर प्रिंसिपल फैमिली नेम, तो यहाँ पे जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं जहाँ के वो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्टर प्रिंसिपल फर्स्ट नेम, तो उनका यहाँ पे फिर नाम लिखना है जो उनका नेम है, आपने वही नाम लिखना है जो प्रोस्पेक्ट वगैरह में होगा।
फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल जेंडर, फीमेल है तो यहाँ फीमेल टिक करना है, मेल है तो मेल करना है। उसके बाद कॉलेज फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे एक लैंडलाइन फ़ोन नंबर वो देना है, अगर वो नहीं है तो आप दूसरा फ़ोन नंबर, दो फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं मोबाइल नंबर। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो कॉलेज के नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन होगा उसका यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, इन केस ज़रूरत पड़ सकती है। फिर अगला पेज आपका आएगा आपके सामने खुल के, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कोर्स डिटेल, यहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल देनी है। अगला पेज है कोर्स डिटेल, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे आपको लिखना है अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स, तो यहाँ पे आपको फिल करना है बीएड। उसके बाद योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आपका जो एचपी यूनिवर्सिटी का या कहाँ कहीं का भी यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन योर क्लास, तो फ्रेंड्स जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, मैं एग्जांपल दूंगी आपको, जैसे यूनिवर्सिटी है धर्मशाला का, जैसे आपके धर्मशाला कॉलेज में आपने एडमिशन ली है और वहाँ का एंटी रैगिंग फॉर्म भरे हैं, तो वहाँ पे जैसे 200-250 सीट है, तो यहाँ पे 250 लिखनी है। उसी हिसाब से जिस कॉलेज में जितनी सीट्स हैं वहाँ पे यहाँ फिल कर देनी है, 300, 400, 250 जो भी लिखा। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपकी जो बीएड है 1 साल की है या 2 साल की या 3, तो यहाँ पे 2 ईयर लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया आर कंपलसरी, जो यहाँ पे स्टार बना है ये वाले आपको कंपलसरी भरने के लिए, बाकी नहीं भी भरेंगे तो भी काम चलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बाद आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा, तो वो पेज रहता है यहाँ पे ये यूजी रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपको ये 5 दिए हैं, यहाँ पे आपको यस करना है हर बॉक्स में, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है और यहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और जो आपने ईमेल आईडी दी होगी उसमें ये फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा, और कॉलेज में सबमिट भी होता है ये फॉर्म। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।